नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी 9 उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं काशी कॉरिडोर पे खड़ा हूं। मैं आपको ये काशी कॉरिडोर इसलिए दिखाने लाया हूं क्योंकि यहां बहुत भव्य तरीके से काम चल रहा है। यहां आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्बन रिन्यूअल का काम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे आप कह सकते हैं मूलभूत प्राचीन, जिसको लेके पूरे देश में लोगों की आस्थाएं हैं, उसको लेके ऐसा काम किया गया है कि जिससे श्रद्धालुओं को बहुत अच्छा लगेगा। पहले यहाँ आने में बहुत दिक्कत होती थी, तंग गलियाँ थी। इस रास्ते से आप सीधे गंगा जा सकते हैं। कहने का मतलब है, पहले कभी ऐसा हो नहीं सकता था, यहाँ रास्ते नहीं थे, यहाँ लोगों के घर बने हुए थे। आप पीछे से अगर आते तो आपको शायद आधा घंटा लगता, दो आपको डेढ़ घंटा अपनी गाड़ी कहीं पार्क करने में लगता। आप देख सकते हैं किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम बाकायदा चल रहा है। और आप देखिए, मैं इस तरह भी दिखाता हूँ कि वो रहा भव्य मंदिर जिसको लेके काम चल रहा है। और परिसर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मंदिर बना रहे हैं, उसी पद्धति से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पद्धति रही होगी 1000 साल पहले। हर शहर की अपनी एक पहचान होती है। वो पहचान खाने पीने, पहनावे और वहाँ की महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक घटनाओं से बनती है। इस मामले में काशी सारे शहरों से सबसे अलग है, विचित्र है, अद्भुत है। इसी दिव्य काशी नगरी में विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण का फिर निर्माण हो रहा है। ये पुनर्निर्माण गंगा के तट से शुरू होकर शहर के अंदर तक जाता है जहाँ बाबा का मंदिर है। इसीलिए पूरे प्रशासन का ध्यान एक बार फिर से गंगा के घाटों पर है। पीएम के सपनों का कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। कॉरिडोर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर से लेकर मंदिर चौक और व्यूइंग गैलरी तैयार है और मंदिर परिसर भी अपने भव्य रूप को प्राप्त कर चुका है। मंदिर परिसर की खासियत यह है कि इसमें काशी के धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व का ख्याल रखा गया है। काशी शहर नया, प्राचीन, मध्यकालीन और भगवान की कल्पना का प्रतीक है। लेकिन हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा ध्यान शहर में इनके घाटों को मिला है। ऐसा नहीं है कि शहर में विकास नहीं हुआ है या सड़कें नहीं बनी हैं या फिर शहर को साफ नहीं किया गया है, लेकिन शहर को देखने और दिखाने का मतलब आजकल उसके घाट है। यहाँ पर एक घाट पर मोक्ष की प्राप्ति होती है तो दूसरे घाट में मनोरंजन और तीसरे में गंगा आरती की जाती है। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले घाट और नदी पर काम किया है। हिंदुस्तान के अमूमन प्राचीन शहर दुनिया के बाकी शहरों की तरह ही नदियों के किनारे बसे हैं। इन नदियों में भगवान भी बसते हैं और भावनाएं भी। काशी इस मामले में 2 कदम आगे है। शाम को आपको सभी धर्मों के लोग यहाँ मिल जाएंगे। गंगा और काशी की कल्पना आजकल घाटों को बाहर रखकर नहीं की जा सकती। बाबा के मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें भी एक बड़े घाट की मरम्मत शामिल है। कहा गया है कि CCC का इस्तेमाल हुआ है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, नो कन्फ्रंटेशन। तो कहने का मतलब है यहाँ मोक्ष भवन बनेंगे, यहाँ लोगों के लिए अच्छे टॉयलेट्स बनेंगे, यहाँ रास्ते होंगे, यहाँ रहने की जगह होगी, पीने के लिए पानी होगा, सुरक्षित जगह रहेगी, लोग आएंगे आराम से दर्शन करेंगे, कचरा नहीं होगा, स्मार्ट सिटी होगी। यहाँ से आप बोट से आ सकते हैं, CNG से चलेगी बोट, बोट डीजल से नहीं चलेगी। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री इसका पूरा उद्घाटन करेंगे और कितनी मेहनत की जा रही है इसके लिए यहाँ। तो काशी कॉरिडोर को केवल चुनावों से जोड़ के देखने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में बहुत पुराने ऐसे कई मंदिर हैं जिनका बार बार जीर्णोद्धार हुआ है। क्या बोलते हैं आप, तिरुपति का देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जम्मू के मंदिर को, तो उसी प्रकार से काशी नगरी का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना कि अंतोगत्ता, श्रद्धालुओं के लिए चीज़ें बननी चाहिए, जो लोग आते हैं उनके लिए बननी चाहिए, जैसे चार धाम में हुआ। तो ये आप देख रहे थे हमारी काशी से स्पेशल रिपोर्ट TV9 उत्तराखंड के लिए।